सीएमओ कुल्लू डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पल्स पोलियो अभियान को लेकर टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा ने पल्स पोलियो अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमओ कुल्लू डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा ने बताया कि कुल्लू जिला में पल्स पोलियो अभियान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो अवश्य पिलाएं। पल्स पोलियो अभियान जो है हमारे यहाँ उसकी तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग होती है जिला अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में संपन्न ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमारा एक ट्रेनिंग पार्ट था जिसमें इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, जिसमें विभिन्न विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी आए हुए थे उनके साथ में आज इसके ऊपर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा जिला कुल्लू के अंदर 0 से 5 साल तक के जो हमारे बच्चे हैं वो 35,908 हैं, जिनको 2 बूंद पोलियो की जो हैं 14 तारीख को बूथ स्तर पर पिलाई जाएगी। और मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को बूथ स्तर पर जो है 2 बूंद पोलियो की पिलाने के लिए आवश्यक जो है लेके आएँ। उसके साथ में हमारे यहाँ पे जो हैं जो पोलियो बूथ जो हैं वो 401 जो हैं हमने स्थापित किए हुए हैं। और इसके साथ में हमारी ट्रांजिट साइट्स भी हैं जो हमारी 13 हैं और स्पेशल साइट्स हमारी 11 हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे सभी टीम मेंबर्स हैं, हमारे जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं जिला कुल्लू के लिए, चाहे वो हमारा लूरी है चाहे हमारा कुल्लू का बजौरा है, इन सब में भी हमने ट्रांजिट साइट्स जो हैं रखी हुई हैं। यहाँ पे भी जो भी व्यक्ति कुल्लू के अंदर एंटर करेगा वो सभी बसेस को जो है उसमें चेक किया जाएगा और जो भी बच्चा उसमें 0 से 5 साल तक का पाया जाएगा उसको 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाएगी। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।